हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ, आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हूँ, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है, और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपकी आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रिशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन मकर राशि, चलिए देखते हैं मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी मार्च के महीने में, मार्च मंथ में, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Okay, तो ये जो मंथ है कैप्रिकॉन, आपकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं बहुत ही उम्मीद वाली, मैं कहूँ जैसे कि कुछ फुलफिल हो रहा है या उम्मीद आपको हो रही है, होप्स हैं आपके पास कि यस, आपने जो करा उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे इस महीने में। ठीक है, तो आप बहुत हैप्पी, बहुत खुश रहने वाले हैं इस वक्त में, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और यस, इसके साथ ही साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ डिले या एकदम से अगर आपको उसका कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, तो आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि उस लोअर एनर्जीज में आप ना आए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपने काम करा था अपनी तरफ से, जो भी अपना बेस्ट दिया था, जो भी हार्ड वर्क करा था, वो पे ऑफ होने वाला है, उस फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि उस अच्छी हाई वाइब्रेशंस में आ जाइए, लोअर एनर्जीज में नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यहाँ मैं मैनिफेस्टेशन का टैग नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क है बेसिकली। ये मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये आपका गुड कर्मा, आपकी हार्ड वर्किंग, जो भी आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है किसी चीज़ को पाने में, किसी चीज़ को ठीक करने में, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। वाओ, यस, यहाँ पे इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इस महीने आपको अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं करना है। ठीक है, लो नहीं करना है अपनी वाइब्रेशंस को, हाई रखिए अपनी वाइब्रेशंस को, क्योंकि वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा वक्त रह गया या तुरंत आपको अगर अभी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन वो हो रहा है, आपको बोला जा रहा है लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, दैट्स व्हाई। और अपने गोल, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर लगे रहिए, अपना कर्मा नहीं रुकना है बेसिकली। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, अपना कर्म करते रहिए। ठीक है, अपना वो जो कर्मा है वो आपको करते रहना है। ठीक है, उसे नहीं रोकना है, अपनी दिशा नहीं बदलनी है, जो जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो आपने एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल पर अड़े रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, फोकस्ड रहिए। ठीक है, चैरिट की एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत,
क्योंकि विद दिस ये दोनों जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, यहाँ ये जो कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस, तो यस डिफिकल्टीज मैं देख रही हूँ, डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टीज हैं, मैं इससे नहीं नकारूंगी, लेकिन जो भी डिफ़िकल्टीज हैं आपको हार ना मानने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप वो गोल अचीव करने वाले हैं, आपको वो बड़ी पिक्चर देखनी है, सिर्फ ये जो अभी आपको शायद क्लैरिटी नहीं है, जो भी आपके आसपास हो रहा है उससे आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखिए, ये कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है, ठीक है, जो आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, धुंध, मैं कहूँगी फोग है, बहुत धुंध है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको इसलिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ हो रहा है, ये मत समझिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है, उसका आपको मैं कहूँगी उसका आपको गिफ्ट ज़रूर मिलेगा पलट कर, जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे होपफुल रहना है। वाह, थैंक यू एंजल्स, यस, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज आया है तो इसमें बहुत डार्कनेस है, ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है डार्क एनर्जीज में या नेगेटिव थॉट्स में या नेगेटिव वाइब्रेशंस में नहीं आना है, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं आना है, हताश नहीं होना है, ठीक है, बढ़ते रहना है आगे, ओके, सक्सेस मिल रही है आपको, वो आउटकम आ रहा है, ठीक है, आपको उसका पे ऑफ हो रहा है, जो भी काम आपने करा है वो वेस्ट नहीं है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि लव पर्सनल एरिया पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की मार्च के महीने में लव पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि मार्च मंथ। थैंक यू, थैंक यू, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मून, या क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, मतलब ये जो द मून का आया है ना बॉटम ऑफ द डेक, वाह, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ट्स की भी एनर्जी है, तो देखिए अभी ब्रेक, वेटिंग टाइम, ये सब चल रहा है यहाँ पे, ये किसी चीज़ की नई शुरुआत की गई, ये आपका पर्सनल, आपकी लव लाइफ है, नए सिरे से शुरू करना, चाहे किसी नए पर्सन के साथ स्टार्ट करना, या फिर मैं कहूँगी अपने ही पार्टनर के साथ, अपने ही रिलेशनशिप में या अपने पर्सनल एरिया में कि कोई नई शुरुआत करना, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना, बेसिकली ये है यहाँ पे, तो आपने पास्ट में ऐसा करा, लेकिन जो अभी जो मुझे दिख रहा है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप बहुत हताश हैं, या तो किसी के साथ कोई ब्रेकअप है आपका, यहाँ पे चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं एक बार इस कार्ड को मैं क्लियर करूंगी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों पता नहीं क्यों मुझे आपका थॉट पैटर्न लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये हो नहीं रहा, लेकिन ये थॉट पैटर्न है आपका, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आपको या तो कोई धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई रिश्ते की, नए रिश्ते की जैसे शुरुआत हुई है आपकी पास्ट में,
या तो ये कोई न्यू रिलेशनशिप है या आप ही का रिलेशनशिप जिसके साथ आप ऑलरेडी चले आ रहे थे, एक नए सिरे से शुरुआत हुई आपकी पास्ट में, कुछ शुरू हुआ यहाँ पे बेसिकली, कुछ न्यू यहाँ पे मुझे दिखा, ठीक है। लेकिन जो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में कहूँ जो दिख रही है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और क्लैरिफिकेशन निकला है द टावर एंड द फाइव ऑफ पैंटिकल्स, तो बेसिकली ये हार्टफुल सिचुएशन है। कोई आपको चीट किसी ने करा है, आपके पार्टनर ने या किसी पर्सन ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है और आपको अकेला छोड़ करके कोई मूव ऑन हो गया है। एक किस्म का ये एक टावर मोमेंट है। डाइवोर्स हो सकता है कुछ लोगों का, ब्रेकअप हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, कुछ भी है, ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और या ये एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ये इस समय हो चुका है और कुछ लोगों की लाइफ में ये मुझे आता हुआ दिख रहा है। और जिस वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा चिंता में मुझे नज़र आ रहे हैं विद इन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि यही बता रहा है कि देखिए यहाँ क्या है, इसके नीचे है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो आप इस एनर्जी में ना स्टक हो गए हैं, तो आपको बोला जा रहा है इससे बाहर निकलिए, ठीक है। माना ये मुश्किल है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। जो चीज़ हुई है आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये आपको जगाने के लिए आया था। शायद आपको इसमें वो चीज़ नहीं दिख रही थी जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं था, क्योंकि ये जो भी चला आ रहा था इसकी वो फाउंडेशन जो है बहुत कमज़ोर थी। इसका जो मैं कहूँगी जड़ थी ना, वो बहुत वीक थी, ये कभी भी टूट सकता था। समझ रहे हैं आप, ये जो भी सिचुएशन है आपकी वो हिल सकती थी, तो इसीलिए आपके साथ ये सिचुएशन हुई। तो आपको बोला जा रहा है ये जो आपके इतने इमोशंस हाई हो रहे हैं ना, ये जो आप इतना रिग्रेट में चले गए हैं, आपका माइंड बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत नेगेटिविटी भर गई है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, दिल बहुत दुखा हुआ है, तो अपने इन इमोशंस पे कंट्रोल करने की या इन्हें बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। येस, स्ट्रेंथ कार्ड जब भी आता है ये हमेशा कहा जाता है, डेफिनेटली मैं कहूँगी आपका पास्ट या ये जो भी चल रहा है वो इजी नहीं था, वो आसान नहीं था, वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड था या पीरियड है। तो लेकिन इससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। इससे आपको, यस, इससे आपको बाहर निकलना है ताकि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिल पाए, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जब आप अपने में वो स्ट्रेंथ लाएंगे, क्योंकि आप में वो ताकत है, इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस दुख से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मुझे यहाँ पे बहुत निराश, बहुत दुखी, अपने आप को अकेला फील करना, डिप्रेशन, ये मुझे बहुत ही हाईली डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैं कहूँगी कि उस तरह की एनर्जी है कि यहाँ आपको हो सके तो किसी की मदद मांगिए, डिवाइन की मदद लीजिए, या फिर आप किसी से अपनी या किसी से मदद मांग सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की, जिनसे भी आप खुल कर के बात कर सकें, अपने बड़ों से वो मदद मांग सकते हैं आप। तो यहाँ पे वो आपको किसी से अपनी दिल की बात को शेयर करने की ज़रूरत है ताकि आप इस भार को कम कर सकें। और बेसिकली इस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है विद दिट स्ट्रेंथ कार्ड। अगेन मैं बोलूँगी ये सैटर्न का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, कर्म करते चाहिए। कर्म क्या करना है इसमें, कर्म क्या करना है, आपका यही कर्म है कि ये जो भी इमोशंस हाई हो रहे हैं, ये जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, इस पे कंट्रोल करना या इसे बैलेंस करना, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आता ही तभी है, आपके अंदर जो भी इच्छाएं या जो भी दुख या जो भी इमोशंस उठ रहे हैं ना, क्योंकि वो आपके भले के लिए नहीं है, तो उन्हें बैलेंस कीजिए, उन्हें उन्हें उन पर कंट्रोल कीजिए। उन पर कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़रूरत है ताकि आगे आने वाले में आप वो बड़ी पिक्चर देख पाएँ, या बड़ी पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर, ताकि वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ जो आपको इमोशनली फुलफिल कर पाए, जो आप चाहते थे, ठीक है। शायद अभी तक आप वो चीज़ें मांग रहे थे जो आपके हाई, आपके लिए अच्छी नहीं थी, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन डिवाइन आपको वो देना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा है, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है।
ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी रिलेशनशिप कहें या ये जो भी चीज़ें चल रही थी या जो जिस चीज़ की भी ये शुरुआत हुई थी, जिसकी भी ये नींव रखी गई थी, ये बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर थी। इसलिए इसे ढाना या मैं कहूँगी वो सच्चाई आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो चीज़ आपकी या वो पर्सन या वो सिचुएशन या वो थॉट, जो भी चीज़ है, जो भी है ये आपके पर्सनल लाइफ में, उसे लेट गो किया गया या वो टावर मोमेंट लाया गया कि वो आपकी लाइफ से निकल सके। तो अब इस वक्त आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है और आगे बढ़ना है, ताकि वो आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ आ पाएँ, आप अपनी पावर को समझ पाएँ, समझ रहे हैं, और दोबारा से वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, समझ रही है, वो एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन या मैं कहूँ वो जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है उसे रख पाएँ। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, उनको कंट्रोल करना सीखिए। और आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है, तभी ये कार्ड आता है। यस, इसके साथ ही मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं नकारूंगी कि आपका पास्ट या जो भी चल रहा है वो बहुत मतलब स्ट्रेस फुल या बहुत ही टफ था, लेकिन आप इसे पार कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइन अगर आप देखें, कोई भी शेर के मुंह में हाथ नहीं देता, पर आप इस लेडी को देख रहे हैं कितनी कामनेस के साथ, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। इनके ऊपर अगर आप देखें, ये जो इन्फिनिटी का साइन है, वो शांत रहना, अपने इमोशंस को शांत करना, बैलेंस करना बेसिकली, क्योंकि इन्हें आता है और क्योंकि डिवाइन इनके साथ है। आपको भी यही बोला जा रहा है, डिवाइन आपके साथ है, बस ये वो आपकी इमोशंस हैं, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, तो इसे कंट्रोल करो, ठीक है, इसे कंट्रोल करना है ताकि आप अपनी उस पावर में आ पाए। आपको बेसिकली अपनी पावर को जानने की ज़रूरत है। यहाँ इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं, अब आप दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते या दोबारा से आप उस एनर्जी में नहीं आ सकते। आपको इस तरीके की फीलिंग इस समय जो मैं देख रही हूँ, जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये अब अभी तक आप एक अंधेरे में जी रहे थे या ऐसे सिचुएशन के लिए जी रहे थे जो आपके लिए नहीं थी, या ऐसे पर्सन के लिए जी रहे थे जो शायद आपके लिए नहीं था। आप मतलब डिज़र्व ही नहीं करते थे ना वो पर्सन, आप तो कुछ और डिज़र्व करते हैं, आप कुछ अच्छा, बड़ा अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है, प्रिपेयर कीजिए, पहले अपने इमोशंस को बैलेंस या कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि आपकी वो विशेज़, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी वो हो पाए। और जैसे ही आप ये करते हैं, देखिए आपकी वो जो मैनिफेस्टेशंस हैं या जो आपके लिए अच्छा है वो आपकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, वो एक क्विक चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। पर उस एनर्जी के लिए आपको अपनी तरफ से वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ताकि वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ पाएँ। और जैसे कि आपको फर्स्ट मैसेज ऑलरेडी मिल चुका है कि ये जो भी हार्डवर्क आप करेंगे ना, क्योंकि डेफिनेटली ये जो भी आप करेंगे, जो भी हीलिंग करेंगे, ये जो भी आप अपने पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने में वो अपनी पावर को पहचान रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ये इजी नहीं है। तो ये जो भी हार्ड वर्क है, ये जो भी हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको इस चीज़ सिचुएशन को देख करके निराश नहीं होना है, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, आपके लिए कुछ बेहतर है। तो आपको यही बोला जा रहा है, इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आप में वो पावर है, अपनी पावर को क्लेम कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि, लव और पर्सनल एरिया क्या गाइडेंस है पर्सनल और लव लाइफ के लिए। थैंक यू पर्सनल लव लाइफ क्या गाइडेंस है। थैंक यू कैप्रिकॉन मकर राशि मार्च में पर्सनल लव लाइफ। थैंक यू। ओह वाओ, प्लेफुलनेस। सी, क्योंकि अभी ये जो एनर्जीज़ है ना फ्रेंड्स, ये बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं कैप्रिकॉन, सीरियसली हैवी, मतलब ये बहुत ही निराशाजनक और बिल्कुल अंधेरे वाली एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बोला। तो आपको इससे लाइट की तरफ, कलर की तरफ, उम्मीद की तरफ जाना है। अगर आप ये देख पाए, ये भी एक पर्पली पिंकिश
कलर है जो कि आपके हार्ट चक्रा को ही डिनोट करता है, फीलिंग्स को डिनोट करता है। तो बेसिकली आपको आगे बढ़ना है, आप देखिए आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन क्या है उसे फॉलो कीजिए, गोल बनाइए उसे अचीव करने के लिए, पीछे लग जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेफुल एनर्जी आ रही है, आपको यही बोला जा रहा है कि पास्ट को भूलो, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट को खुल करके जियो, ठीक है। और क्योंकि हम लोग पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, तो हम प्रेजेंट जो मोमेंट होता है उसको जीना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन आपकी प्रेजेंट में या पास्ट में जो भी सिचुएशंस चल रही थी, ठीक है कैप्रिकॉन, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और अपने 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 आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, बेहतरी की तरफ लेकर जाइए। अगर आप इसी में डूबे रहेंगे तो फिर इससे आप बाहर नहीं आ सकते, फिर आप वो ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को हल्का फुल्का करने की ज़रूरत है, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, बाहर निकलिए। मैंने बोला ना, अगर आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है तो कोई तो होगा आपके साथ जिसके साथ अपनी फीलिंग्स आप शेयर कर पाएँ, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, आपको बहुत हल्का बहुत लाइट फील होगा क्योंकि ये वही एनर्जी है। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, जितना दुख है जितना भी दुख है उसे लिख डालिए, ठीक है। जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितना भी हार्ट आपका दुखी है, आपका दिल दुखी है, सब कुछ लिख डालिए, ठीक है। उसके बाद कैंडल एक जलाइए और उसे उस पेपर को बर्न कर दीजिए और उसके जो एशिस हैं, राख है, उसे यूनिवर्स में हवा में उड़ा दीजिए फूंक मार के, ठीक है। और ऐसा समझिए कि ये जितना भी दुख था आपका वो यूनिवर्स अपनी तरफ ले लिया है, उन्होंने अपने पास ले लिया है और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आपका दुख उन्होंने ले लिया है, अब आपकी तरफ वो दुख नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर देखिए आप कितना अच्छा फील करेंगे, कितना रिलीजिंग आपको लगे, मतलब ये रिलीज़ करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। वन टाइम में अगर आपको फ़र्क लगता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर से कीजिए। इसके लिए कोई टाइम, कोई डे फिक्स नहीं है, कोई समय, दिन रात शाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी डे में कर सकते हैं, बस जब आपका मन करे। एक बार और कीजिए, सेकंड टाइम भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको और लगे कि यस मुझे और लिखने की ज़रूरत है, लिखिए अपने इमोशंस को और उसे बर्न कर दीजिए और इन एशिज़ को जो है धुएँ में उड़ा दीजिए, हवा में उड़ा दीजिए, सॉरी, ठीक है। देखिए आपको कितना लाइट फील होता है। तो आपको इसी हल्की फुल्की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है रिलीज़ करो अपने स्ट्रेस को, अपने दुख को, अपने टेंशन्स को। और यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है ताकि उन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाओ। हल्की फुल्की एनर्जी में, प्लेफुल एनर्जी में आ पाओ, छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करो, ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी दे प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए बोला जा रहा है और इसके साथ ही साथ साइलेंस, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हीलिंग आपको ज़रूरी रहेगी इस वक्त में। हार्ट आपका बहुत वुंडेड है, जख्मी है हार्ट है, तो उसे पहले हील करना होगा ताकि वो ब्लेसिंग्स के लिए ओपन हो पाए। तो यस, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। अपनी पावर को पहचाननी है, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। रामा दासा आप कर सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी ये, ठीक है। इसको लगा करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके हार्ट चक्रा के लिए है। एंड द क्रिएटर, यस, अपनी पावर को रिक्लेम कीजिए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए। देखिए कितने पावरफुल हैं आप, वो कर सकते हैं। अगेन लियो कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है इन ये जंजीरें हैं आपके लिए, इनसे बाहर आइए, ठीक है। इनसे बाहर आना है इस मंथ में आपको और क्लेम करना है अपनी पावर को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए। हीलिंग कीजिए अपने हार्ट की, मेडिटेशन कीजिए जितना कर सकते हैं, साइलेंस से जुड़ने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा साइलेंस में बैठिए, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, प्लेफुल एनर्जी में आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन कैसे रहेगा करियर आपका मार्च के महीने में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि मार्च मंथ
करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न्स का। थैंक यू सो मच करियर कैप्रिकॉर्न मार्च मंथ। थैंक यू सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ओके टू ऑफ कॉइन्स द स्टार बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टावर ओके टावर ओके कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे आपके करियर में पास्ट में यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं ठीक है कुछ शिफ्टिंग हुई है या तो आपका जॉब शिफ्ट हुआ है या आपने जॉब चेंज करा है कोई टावर मूवमेंट आया है आपकी करियर में या तो कुछ लोगों का हो सकता है जॉब चली गई हो या ट्रांसफ़र हो गया हो किसी ऐसी जगह पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत दूर चाहे शायद आप वहाँ जाना नहीं चाहते थे और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट मूवमेंट जो मैं देख रही हूँ आपका प्रेजेंट मोमेंट जो दिख रहा है टू प्रेजेंट मोमेंट कहीं या जो आने वाला समय आपका टू ऑफ कॉइन्स बहुत ही बिजी समय आ रहा है कि आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को अपने घर को या आप एक साथ ज़्यादा काम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग भी हो सकता है एक साथ ज़्यादा काम करना और ये बहुत ही बिजी और स्ट्रेसफुल बहुत ही बर्डन वाला ये टाइम मुझे नज़र आ रहा है लेकिन आपको ये बोला जा रहा है क्योंकि ये टू ऑफ कॉइन्स क्या है जगलिंग चल रही है जगलिंग इन द सेंस कि आपको समय नहीं मिल रहा है अपने लिए इतना बिजी शेड्यूल होना क्योंकि ये मंथ आपका बहुत बिजी जाने वाला है तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको होप नहीं खोनी है स्ट्रेस्ड या ये समय बहुत हार्डवर्किंग है जैसे कि आपका ये कार्ड ही ऐसा आया है अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में देखें तो अपने आप अपने इमोशन से बहुत जूझ रहे हैं पर्सनल एरिया में इस महीने में जो कि उससे बाहर भी निकलने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उससे बाहर आइए ठीक है ये भी एक बहुत हार्डवर्क हो रहा है आपका आपके अगर करियर वाइज देखा जाए तो बहुत हार्डवर्क और मल्टीटास्किंग आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं एक साथ साथ बहुत सारे काम ले लेना या आपको बहुत बर्डन मिल जाना या ओवर टाइम करना समथिंग इस तरह की एनर्जी है तो आपको बोला जा रहा है यस यहाँ पे अगर टू ऑफ कॉइन्स अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये लेडी जो है बहुत टेंशन में है बहुत दुखी है क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही तो हो सकता है आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं ये जो भी चेंजेस आए हैं आपके अच्छे के लिए आए हैं और ये जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं आपको होप नहीं खोनी है आपको होप नहीं खोनी है क्योंकि वो पे ऑफ होगा ठीक है विद दिस स्टार कार्ड ये जो भी आप मेहनत कर रही हैं ना उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा हो सकता है अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत कर रही हूँ इतना कर रही हूँ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ बहुत बर्डन है लेकिन उतना मुझे आउटकम देखने को नहीं मिल रहा लेकिन आपको बोला जा रहा है पे ऑफ होगा वो आपको पे ऑफ होगा आपको होप रखनी है होप नहीं खोनी है डिवाइन पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है लास्ट कार्ड जो है हमारा स्टार का है तो वो चीज़ें वो जो डिजर्विंग हैं आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ये आपकी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी ठीक है अभी आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं लेकिन आने वाले समय में वो आपको क्लैरिटी मिलेगी ठीक है और अगर यहाँ पे किन्हीं मैं कहूँगी करियर पाथ हो सकता है आपका या कुछ किसी भी तरीके के चॉइसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसे चॉइसेस हैं जो आप नहीं ले पा रहे हैं बिलीव मी आप आगे वो ले पाएंगे ठीक है तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे हार नहीं माननी है होप नहीं खोनी है डिवाइन पे विश्वास रखना है ठीक है और यहाँ पे एक चीज़ और है अगर आपको ये जो भी डिसीज़न लेना है अगर आप क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंट लोग ये भी हैं जिनके पास चॉइसेस यहाँ पे मुझे दिख रही हैं अपने करियर के लिहाज से चाहे वो आपका आपको हो सकता है आपके अपने घर को और अपने करियर को प्रोफेशन को बीच में इन दोनों के चॉइस करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए हार्ट चक्र को हील कीजिए अपनी इंट्यूशन से जुड़िए ठीक है आपके लिए यही मैसेज है अपनी इंट्यूशन से जुड़िए आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है वो कि आपको क्या करना चाहिए या कौन सा आपको
चूज़ करना चाहिए, कौन सी राह पकड़नी चाहिए उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको आता है कि नहीं मुझे इन दोनों को लेकर के चलना है, तो बिलीव मी आने वाले समय में आपको वो पे ऑफ होगा, उसके रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब आप ये सोचेंगे कि यस, मैंने उस वक्त में किसी तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज करा, लेकिन आज मैं उसकी कीमत पहचान रही हूँ या पहचान रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ये आपके पर्सनल और आपका प्रोफेशनल लाइफ हो जिसके बीच में चॉइसेस हो, डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ अपने यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने हार्ट को हील करना है, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इसके ऊपर ही थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आप ओपन नहीं हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस एनर्जी में अभी नहीं नज़र आ रहे कि ब्लेसिंग्स रिसीव करें। तो अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे बेसिकली ओपन कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। अब आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने रिसीविंग मोड में हैं। ठीक है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और कितनी रिसीविंग है आप उस वक्त में। ठीक है, तो ये ज़रूर रहेगा आपके लिए। ओके, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ हो सकती है आई इस महीने, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के और जो प्रेजेंट मोमेंट आपका चल रहा है उसको लेकर के हो सकता है अनडिसाइडेड हों कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैप्रिकॉन क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, एंजल्स की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि क्या गाइडेंस है मार्च के महीने में करियर के लिए। देखिए, ये स्टार का कार्ड जो है ना कैप्रिकॉन, ये चमकने वाली ऊर्जा है। ठीक है, ये वो है मतलब ये वो एनर्जी है कि आप जैसे आपने जो भी आपने हार्डवर्क करा है ना, ये खुद में वो एनर्जी है कि वो चमक आपके आपके अंदर आएगी, आपके प्रोफेशन में आएगी, आपकी लाइफ में आएगी। तो ये वही ऊर्जा है। तो ये जो भी टेंशन, ये जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हैं ना, ये मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैसेज मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इसलिए आपको बोला जा रहा है इन छोटे छोटे हर्डल से या जो भी आपकी लाइफ में ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनसे डरिए मत। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखिए। इन चीज़ों से डरना नहीं है, क्योंकि जब हमारे सामने गोल होता है ना, तब हमें अपनी राह में आते हुए, जब हमें पता है कि यस हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, हमने एम बना रखा है, तो बीच में जो भी छोटे छोटे पड़ाव आते हैं ना, उतार चढ़ाव आते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अंत में हमें वो मिलेगा। तो यही आपको भी डिवाइन बताना चाहते हैं कि अंत में जो आपको मिलने जा रहा है ना, वो आप जब मिलेगा ना आपको, तो आप खुद मानेंगे कि यस, ये जो मेरा जो मेरी मेहनत थी या ये जो भी मैंने तकलीफ़ें झेली हैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ें भी जो कठिनाइयां झेली हैं, वो पे ऑफ हुई हैं मुझे, वो वाकई में उसकी कीमत आज अदा की गई है। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, ओके, अगेन करेज, स्ट्रेंथ, आप में वो स्ट्रेंथ। देखिए ये क्या है, ये चट्टान, ये एक पत्थर है, चट्टान है, जिसमें से जो कि इम्पॉसिबल थिंग है। ठीक है, ये एक इम्पॉसिबल है कि एक बंजर सी या एक पत्थर या एक चट्टान में से फूल निकल आना, इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट, ऐसी चीज़ निकलनी। ठीक है, लेकिन यहाँ वो चीज़ पॉसिबल हो रही है। अगेन, यह आपकी मेहनत का नतीजा है। 8 नंबर का कार्ड है आपके कर्म का, आपके कर्मा का, आपके हार्ड वर्क का नतीजा देख रहे हैं। जो आपको इस समय इम्पॉसिबल कुछ लग रहा है ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में या अपने पर्सनल एरिया में या रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, जो भी इम्पॉसिबल थिंग लग रही है, बिलीव मी, जो चीज़ आने वाली है ना, वो आपको आपको ना, हमने जब यहाँ देखा था 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, आपको वो इमोशनली ना फुलफिल करेगी। आपको तब पता चलेगा कि यस, ये चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आनी थी, तभी ये चीज़ें हुई।
और डिवाइन को ये पता है कि आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो ताकत है, आप में वो साहस है, आप वो चीज़ें कर दिखाएंगे, ठीक है। आप अपने इमोशंस पे, अपनी जो भी ये एनर्जीज आ रही हैं उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वाओ, फ्लावरिंग, ये कौन है? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक स्टेबल एनर्जी और एक ऐसी एनर्जी। और या अगर आप अभी ऐसे भी हैं ना कैप्रिकॉर्न, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ऐसे हो गए, आप लोगों का देखने का नज़रिया अगर चेंज हो गया है, आप हैप्पी नहीं रहते या गिविंग नहीं रहते हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो बिलीव मी, आप आगे ये जो भी काम कर रहे हैं ना, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। ये एक स्टेबल एनर्जी है और एक ये गिविंग एनर्जी है, ये मदरथ गाया की एनर्जी है। यस, इससे मुझे एक मैसेज और मिला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए हैं आप लोग। आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राउंडिंग वेरी मस्ट, मतलब मस्ट मैं बोलूँगी आपके लिए, ग्राउंडिंग और हार्ट चक्र की मेडिटेशन, ठीक है। हार्ट चक्र की आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यम, YAM, यम जो है इसका बीज मंत्र है, ठीक है, इसे आप चैंट कीजिए। और रामा दासा मैंने आपको बताया है हार्ट चक्रा के लिए, वो मंत्रा आप सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। और ग्राउंडिंग, ये आपका रूट चक्रा होता है, ग्राउंडिंग कीजिए, मदरथ गाया से टच में रहिए, थोड़ा गार्डन में जाइए, ग्रास, नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए अपना, और मेडिटेशन कीजिए ग्राउंडिंग की, ठीक है। जो गाइडेड मेडिटेशन होती है, जो आपको गाइड किया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, गाइडेड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत अच्छे से होती है वो मेडिटेशन, तो ग्राउंडिंग की आप गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए इस महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि जो भी चल रहा है बिलीव में, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखेंगे, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन क्या है कि आधे से ज़्यादा लोग तो ना गाइडेंस को फॉलो ही नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं फॉलो, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस लाना चाहते हैं डियर, तो वो गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिए, वो आप ही के लिए है। आप यहाँ तक आए हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इट मींस कि ये गाइडेंस, ये मैसेजेस आपके लिए है। वो एक अलग बात है कि आप किस तरीके से उन्हें रिसीव कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, रिसीव कर करके भूल जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मार्च के महीने में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू, प्लीज़ बताएं क्या ब्लेसिंग्स हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू, ब्लेसिंग्स, ओके। देखिए, हीलर ऑफ द एजेस, या सिक्स नंबर, हारमनी, हारमनी का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, और आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो भी चीज़ है ना, ओह माय गॉड, सीरियस, ओह माय गॉड। देखिए, सिमिलर कार्ड्स आए हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न, ब्रोकन हार्ट बॉटम ऑफ द डेक, और ये है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। मैं यही आपको बोलने जा रही थी कि जो भी चेंजेस हैं या जो भी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आना चाह रही हैं ना, वो सिर्फ आपके बलबूते आ सकती हैं, आप ही उन ब्लेसिंग्स को ला सकते हैं, ठीक है। सब दारुमदार मैं कहूँगी, सारा आपके हाथ में है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, आप में वो पावर है कि आप खुद, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपनी एनर्जीज़ को हील कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं, मैंने यही बोला ना। और ये ब्लेसिंग है आपके लिए, हीलिंग आ रही है, तीनों कार्ड्स हीलिंग के हैं, ज़बरदस्त हीलिंग, ब्रोकन हार्ट, मैंने बोला ना आपका हार्ट दुखी है, दैट्स वाई कि आप वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए ये होप का कार्ड नज़र आ रहा है। और आपको बोला जा रहा है जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं, हार्डवर्क क्या है आपका, हील करना, हीलिंग करना, मैनेज करना चीज़ों को, ठीक है। ये जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं ना, वो पे ऑफ होगा, वो पे ऑफ होगा, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी खुशियों का, आपकी हीलिंग का वो दरवाज़ा खुल रहा है। क्या है वो, क्या है,
मैं कह रही हूँ खुल रहा नहीं, खुल गया है। आपको डिवाइन यहाँ से मैसेज दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। ये जो भी एनर्जी आप देख रहे हैं ना, ब्रोकन हार्ट 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर हम क्या कहते हैं, एंडिंग का कार्ड होता है। ये जो भी है सिचुएशन, ये ख़त्म ख़त्म हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसके लिए रोना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, इस एनर्जी से बाहर आइए और एक नई शुरुआत कीजिए। क्या करना है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से कार्ड आए हैं, हील कीजिए अपने आप को, और आप खुद हील कर सकते हैं। मेडिटेशन लगाइए यूट्यूब पे, कान में ईयरफोन लगाइए, शुरू हो जाइए। रामादासा सबसे बेस्ट है, आपके हार्ट चक्रा पे बिल्कुल डायरेक्ट अटैक करता है। अटैक इन द सेंस बिल्कुल वहाँ तक टच होगा वो मंत्र आपको जब आप सुनेंगे, रामादासा सा से सो हम, ठीक है, रामादासा लिख देंगे तो मंत्र आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, उसे सुनिए, जौन सा आपको म्यूजिक रामादासा का दिल को छू रहा है उससे मेडिटेशन कीजिए। यम, YAM यम, हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है, उसे आप चैंट कर सकते हैं मिनिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स। आप उसे चैंटिंग कीजिए, ऐसे बोलना है यम। देखिए हार्ट चक्रा तक उसकी रेज जाती हैं, अंदर से वाइब्रेशंस जाती हैं, वो कीजिए। ग्राउंडिंग कीजिए ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाएं। जो मैंने आपको बोला है गाइडेड मेडिटेशन, ग्राउंडिंग की, ग्रास पे जाइए, बेयर फुट नंगे पांव घूमिए, ग्रास को फील कीजिए, पेड़ों को टच कीजिए, हग कीजिए, किस कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय टाइम स्पेंड कीजिए। अब आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो इस एनर्जी में रहने के लिए आपके पास टाइम है। जो आप इस एनर्जी में रह करके वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम आप इतने अच्छे काम के लिए भी करेंगे, तो इसमें आप ही का ही बेहतर हो रही है, आप ही की तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप ही अपग्रेड हो रहे हैं, आप ही की लाइफ अपग्रेड हो रही है, ठीक है। तो आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न मार्च के महीने के लिए। थैंक यू। देखिए मुझे कितने सारे लोग बोलते हैं कि मैम स्मॉल रीडिंग बनाइए, ठीक है, छोटी छोटी रीडिंग बनाइए। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अब जैसे इसमें इतने सारे मैसेजेस हैं, अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगी और मैं आपको कुछ ही मैसेजेस दूँगी, मैं आपको सही से नहीं समझाऊँगी। माना आधे लोग करते हैं, आधे लोग नहीं भी करते हैं गाइडेंस को फॉलो, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें सही गाइडेंस दूँ। लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी रीडिंग करूँगी तो मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी। मुझे तो होगा मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे फटाफट फिनिश करनी है रीडिंग, ठीक है। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कम ले देखें लोग या ज़्यादा देखें, मुझे सिर्फ ये मायने रखता है चाहे एक इंसान फॉलो कर रहे, चाहे दो इंसान मेरी गाइडेंस को फॉलो करें, एटलीस्ट फॉलो तो करें और अपनी लाइफ में वो चेंजेस तो लाएं, अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस तो ला पाएं। मेरा बस यही मकसद है। मुझे ये मैटर नहीं करता कि मेरे को थाउजेंड्स लोग नहीं देख रहे हैं, 10,000 लोग नहीं देख रहे मेरी वीडियो, मुझे नहीं चाहिए। लाइक्स जितने आए ना आए कोई बात नहीं, मेरा मकसद है गाइडेंस को फॉलो किया जाए। लेकिन जब तक मैं ठीक से समझाऊंगी नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे आप? आधी इन्फॉर्मेशन दूंगी तो फिर वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं सार निकाल करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ उसका सार यही है, हीलिंग होगी। हार्ट चक्रा मेन है, ग्राउंडिंग मेन है, उसी से ही आप बाहर निकल आएंगे। तो और क्या चाहिए, खुद कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हीलर ऑफ़ द एजेस, आप खुद हील कर सकते हैं, आप में वो पावर है। इस कार्ड का यही मतलब है। और यहाँ पे भी देखिए हार्ट चक्रा फोकस में है, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को, आप खुद कर लेंगे। अपने हाथों को ना देखिए, मैं आपके लिए भी बताती हूँ, अपने हाथों को जोर जोर से ऐसे रब कीजिए, जोर जोर से। जब हाथों को रब करेंगे ना बहुत ज़ोर से, थोड़ी देर तक कीजिए, आपके हाथ जलने लग जाएंगे, तो आपके हाथों में ना वो वाइब्रेशंस आ जाएंगे, रेकी की शक्ति आ जाती है। ये जो हमारे पाम में है उससे अपने हार्ट पे रखिए, ठीक है, अपने हार्ट पे उस हैंड को रखिए और फील कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, रेकी से प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ मेरे हार्ट चक्रा को हील कर दीजिए। आप खुद ही कर लेंगे अपने हाथों से, आपके अंदर वो ऊर्जा है और हर पर्सन में होती है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। ओके, 1 कार्ड आपका नीचे, 2 कार्ड्स आपके नीचे गिरे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है, बहुत सारे निकल रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए ले लेती हूँ, कुछ ये वाले भी लूँगी मैं, ठीक है। ओके, ठीक है, नीचे वाले भी मैसेजेस मैं उठाती हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, सोलमेट्स।
तो यहाँ पे कुछ लोग जो है इस महीने सोलमेट्स अपने सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ आपको सोल फैमिली के आपके जो लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं इस महीने और इस हीलिंग में आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रोनिसिटीज़। यस, जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सिंक्रोनिसिटीज़ आपको ज़रूर दिखाई देंगी। 111 222 1111, तो यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सिंक्रोनिसिटीज़ को नोटिस कीजिए, वो आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हैं। उस समय अपने थॉट्स पर फोकस करना चाहिए, आप उस समय क्या सोच रहे हैं। जब भी आप कोई ऐसे एंजल नंबर्स अगर आप देखते हैं, उस समय देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो उसे पॉजिटिव कीजिए। या देखिए कि जब आपने कोई क्वोट पढ़ा, उस समय आपको एंजल नंबर दिखा तो वो मैसेज आपके लिए है। इस तरीके से मैच कीजिए, ठीक है। और यहाँ है मैरिज। देखिए मैरिज आपके लिए आ रही है, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कब, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन जब तक आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा तब तक, ठीक है। पहले हार्ट चक्रा को अपने हील कीजिए, ठीक है, उसे हील करना बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी है, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी आती भी है तो हम खो देते हैं। Release, let go of the past and ending that makes way for new opportunities, time to move on. तो यहाँ पर release करने के लिए बोला जा रहा है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। मैं बहुत बार बार नहीं बोलूँगी, नहीं तो और लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको पता है क्या release करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल हीलिंग। देखिए हीलिंग, यहाँ पे तीनों हीलिंग के कार्ड आए हैं ब्लेसिंग्स में, और यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए है ही है इमोशनल हीलिंग। एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशंस मीन्स यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव, साफ लिखा है यहाँ पे। जैसे ही आपका हार्ट हील होता है, आप ओल्ड इमोशंस पेन को रिलीज करते हैं, हील करते हैं, साथ ही साथ हील ज़रूर करना है, देन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। तो वहीं आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती हुई और वो लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी यहाँ पे मैरिज और सोलमेट का सोलमेट आए हैं हमारे पास, ठीक है। इंटरनेट, तो यहाँ पे कुछ लोगों को इंटरनेट से ब्रेक लेने के लिए भी बोला गया है कि थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें मत देखिए ज़्यादा, ये भी आपको बोला जा रहा है। और देन है हमारे पास ऑर्गेनिक फूड्स। यस, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें सबसे बेहतर रहेगा कि आप हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड्स खाएं और अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें, ठीक है। खासकर यहाँ पे स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपका, ठीक है। यूनिकॉर्न, वाओ, यूनिकॉर्न आपकी मदद के लिए आ रहे हैं इस महीने और आपको बोल रहे हैं गुड लक इज कमिंग टू यू, दैट्स आई एम सेइंग योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। तो गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, हार नहीं माननी है, जो भी कर्मा कर रहे हैं आप उसे करते रहिए। देन वाओ, वेरी सून क्लियरली डिसाइडेड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो जो भी आप चाह रहे हैं या जो भी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी, मैं कहूँ अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, चाह रहे हैं चीज़ें सब सेटल हो जाएं, वेरी सून, हार नहीं माननी, इसलिए आपके लिए ये मैसेज था। नेक्स्ट है आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस, यहाँ पे सेल्फ अपने में विश्वास रखिए, अपने आप की कीमत को पहचानिए, आप में वो पावर है, प्राउड फील कीजिए। ये जो भी आप कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते, इतनी मुश्किलों से बाहर हर कोई नहीं आ सकता, आप में वो हिम्मत है, वो ताकत है, तभी यूनिवर्स ने आपको चुना है, ठीक है। टुडे इज़ योर डे। यस, यहाँ पे प्लेफुल की एनर्जी थी नीचे, ठीक है, जो आपके लिए गाइडेंस आई थी। तो आपको हर दिन को ऐसे जीना है जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो। वो कहते हैं ना, हम हर वो काम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि यस, ये हमारा दिन है आज, तो इतना पॉजिटिव वे में जिए, ठीक है। हर खुशी, जो जिस चीज़ में आपको खुशी मिले वो काम कीजिए। फ्री योर सेल्फ, यस, फ्री कीजिए बॉन्डेजेस से, रिलीज कीजिए नेगेटिविटी को, पास्ट को। न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे आपके लिए, मैसेज आ रहा है आने वाले समय में, आपको डिवाइन बता रहे हैं डेफिनेटली।
रिस्पेक्ट आ रही है आपके लिए, वाओ ब्यूटीफुल, यू डिजर्व लव, डिवाइन आपको कह रहे हैं यू डिजर्व लव, ओके वाओ, मैजिक। देखिए यहाँ पे इम्पॉसिबल आया था ना, कि इम्पॉसिबल शायद हो सकता है आपको लग रहा हो लेकिन वो है नहीं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में वो मैजिक होता हुआ दिख रहा है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे वैसे भी यूनिकॉर्न की एनर्जी थी, माय गॉड, देखिए मैजिक एंड मिरेकल्स एक साथ आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो मैजिक वो मिरेकल्स हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है एंड आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगिए, फिजिकल वर्ल्ड हो या स्पिरिट वर्ल्ड हो, मदद मांगिए, आपको मदद प्रोवाइड की जाएगी, यूनिवर्स आपके साथ है, ये कार्ड तभी हमारे पास आता है, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डोंट वरी, प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको मैसेजेस ज़रूर देंगे, वो मदद ज़रूर देंगे, गाइडेंस ज़रूर देंगे, ये भी आपको गाइडेंस ही दी जा रही है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसे ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी मार्च के महीने के लिए आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस। अगर आई होप आपसे कोई गाइडेंस आपको मिली हो, इससे कोई मैसेज मिला हो, मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।